So next up guys, we are going to learn about loops. So you already know about loops. If you are going to do something multiple times, you can put that thing inside a loop, right? उसको ज़्यादा डिस्क्राइब करने का ज़रूरत नहीं है. जावास्क्रिप्ट में लूपिंग बहुत उसके ऊपर फोकस किया गया है एंड देर आर डिफरेंट kinds of loops. Okay, so there are normal traditional loops like for loop, while loop, do while loop और फिर जो आपके नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं जैसे कि एरेज हैं या फिर लिटरल ऑब्जेक्ट लिटरल्स हैं, इनको लूप इन करने के लिए कुछ स्पेशल लूप्स दिए गए हैं. ठीक है, तो व्हाट वी विल डू इज वी विल कवर लूप्स इन टू वीडियोस. सो इन द फर्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द कॉमन लूप्स या फिर यू कैन कॉल इट जनरल लूप्स एंड it will include the for loop. It will include the while loop. It will also include the do while loop. Okay, and then we'll also study some control structures like break and continue. ये आपने किसी और लैंग्वेज में पक्का पढ़े होंगे. और फिर हम लोग क्या करेंगे, we will discuss some special loops. Okay, special loops ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं. ठीक है, सो गाइज लेट्स स्टार्ट विथ फॉर लूप. फॉर लूप इज़ वेरी सिंपल, यू ऑलरेडी नो हाउ इट वर्क्स. सो लेट्स से मुझे मैं सिंपल से एग्जांपल देता हूँ आपको. लेट्स से मुझे यूज़र से एक नंबर लेकर के टेबल्स प्रिंट कराना है. ठीक है, टेबल प्रिंट कराना है. लेट्स से उसने 5 दिया तो मुझे 5 का टेबल प्रिंट कराना है. तो व्हाट आई विल डू इज लेट्स टेक अ नंबर वेयर नंबर इज इक्वल टू वी कैन डू अ प्रॉम्प्ट and we can ask for the number like this, and then what we can do is we can run a loop. Okay, like this where I is equal to 1 से start करोगे because tables आपके 1 से start होंगे, and then you would write I is मैंने बहुत ज़्यादा स्पेसेस दे दिए. I is less than equal to 10, 10 तक जाना है आपको. And i++ is basically I is equal to i+1. Increment कर रहे हो एक से, right? And inside over here, what you will do is you will simply print out console.log, right? और इसके अंदर what you will do is just 1 second machine hang कर गया. और over here you will write पूरा table के लिए you would first write table किसका print हो रहा है, टेबल किसका प्रिंट हो रहा है. सो नंबर, उसके बाद यू वुड राइट मल्टीप्लाई, उसके बाद द वेरिएबल आई इज इक्वल टू एंड देन डॉलर नंबर टाइम्स आई, राइट? एंड दैट्स द कोड गाइस. सो हो क्या रहा है, नंबर ले रहे हैं और हम लूप चला रहे हैं. ठीक है, और लूप कब तक चलेगा, जब तक i का वैल्यू 10 नहीं हो जाता, और हर आइटरेशन के बाद i का वैल्यू इंक्रीमेंट कर रहे हो. ठीक है, सो आई जस्ट रन दिस कोड एंड विल जस्ट पुट अ वैल्यू ऑफ 13 का टेबल. ओके किया एंड यू कैन सी यहाँ पर वी हैव गॉट द टेबल ऑफ 13, राइट? एंड दैट इज हाउ फॉर लूप वर्क्स. द नेक्स्ट लूप दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द व्हाइल लूप. सो व्हाट आई विल डू इज आई विल रिमूव द फॉर लूप और रादर आई कमेंट इट. और अब ये सेम काम हम लोग वाइल लूप से करेंगे. ठीक है, सो आई वुड राइट वाइल के अंदर देयर शुड बी अ कंडीशन, लूप कब रुकेगा. सो लूप कब रुक रहा है, जब इसके पहले हम लोग को ऊपर यहाँ पे where i इज इक्वल टू 1 डिफाइन कर देना है. और जब तक i का वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 11, जब तक 11 नहीं हो जाता तब तक आपको ये सेम काम करना है, राइट? ये सेम काम करना है लाइक दिस. ओके, और इसके साथ साथ आपको अलग से टेंशन लेना पड़ेगा इंक्रीमेंट करने का. आपको यहाँ पे खुद से इंक्रीमेंट करना पड़ता है. ठीक है, सो नाउ दैट्स द कोड. सो पहली बार आई का वैल्यू 1 है तो ये काम हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है. एक पॉइंट पे आई का वैल्यू 10 हो जाएगा इंक्रीमेंट होते होते, और ये काम एक बार लास्ट टाइम होगा. और फिर आई का वैल्यू हो जाएगा 11 और ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और आप लूप में नहीं घुसोगे और आपका टेबल प्रिंट नहीं होगा. ठीक है, सो अगेन इफ आई रीलोड आई शुड गेट द सेम आंसर. लेट्स से 14 का टेबल प्रिंट करते हैं एंड यू कैन सी 14 का टेबल प्रिंट हो गया, राइट? आई गेस सिंपल है. ओके, नाउ आई क्विकली शो यू कि डू वाइल लूप क्या होता है. यू ऑलरेडी नो डू वाइल लूप कैसा काम करता है. डू वाइल लूप इज वेरी सिमिलर टू वाइल लूप्स. द ओनली डिफरेंस इज कि डू वाइल लूप एक बार तो घूमेगा, right? So I'll just quickly do this, I'll cut this thing and I'll put a do over here and while का condition मैं यहाँ पे लगा दूँगा like this. So output same आएगा. The only difference is I'll show you. So इस point पे अगर मैं इसको run करूँ, let's say मैंने 15 का input करा और ये देखो output same आ रहा है. But the thing is कि let's say अगर आपने condition ये डाल दिया कि I is not equal to 11 और आपने यहाँ पे I का value initialize किया 100 से let's say. राइट, अब ऑब्वियसली पहली बार ही नहीं चलना चाहिए था अगर ये वाइल लूप होता, क्योंकि पहली बार से कंडीशन फॉल्स है, ठीक है. बट अब क्या होगा, एक्चुअली हमने कंडीशन गलत डाला. एक काम करते हैं, आई इज लेस देन इक्वल टू 10 कर देते हैं. ओके, अब ये पहली बार ही नहीं घूमना चाहिए था, बट एक बार ये घूमेगा. ओके, एंड यू विल गेट दिस आउटपुट. सो मैंने लिखा 16 और ओके पे क्लिक किया. ये देखो एक बार घुमाइए, ठीक है, और आई का वैल्यू 100 था तो 16 मल्टीप्लाइड बाई 100 1600 प्रिंट हो गया, ठीक है. सो दैट इज द ओनली डिफरेंस. एंड कभी कभी ये चीज़ काम आ जाती है और कभी कभी ये छोटा सा सटल डिफरेंस कभी कभी काम आ जाता है वाइल और डू वाइल के बीच में. और इसीलिए बहुत सारे लैंग्वेजेस आज भी डू वाइल को सपोर्ट करते हैं, बहुत सारे लैंग्वेजेस नहीं करते, जैसे कि पाइथन में डू वाइल नहीं होता, ठीक है. तो आई गेस यू गेट द आइडिया. नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल क्विकली शो यू व्हाट आर ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट्स. ओके, बहुत काम की चीज़ है और बहुत यूज होता है. सो आई जस्ट क्विकली गिव यू एन एग्जाम्पल फॉर वेयर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू 10, आई प्लस प्लस. ओके, और यहाँ पे मैं बहुत सिंपल सा एक काम कर रहा हूँ. आई एम जस्ट प्रिंटिंग आउट कंसोल डॉट लॉग आई का वैल्यू, राइट. मैं बस आई का वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ. सो यू नो द आंसर. अगर मैं इसको रन करूँगा, इसका सच कुछ ज़रूरत नहीं था, बट यू गेट द आइडिया, राइट. 1 से लेके 10 तक, 0 से लेके 10 तक प्रिंट हो रहा है. व्हाट आई विल डू इज आई ऑल्सो कमेंट आउट दिस थिंग. नाउ ये सिंपल था, राइट. बट नाउ व्हाट आई विल डू इज आई डू दिस. आई राइट इफ आई का वैल्यू इज इक्वल टू ट्रिपल इक्वल टू 5, देन ब्रेक. ओके, सो नाउ लेट्स सी आउटपुट क्या आएगा. सो अगर मैं रन करूँ इस कोड को फिर से, यू कैन सी सिर्फ 0 से लेके 4 तक आया, उसके बाद लूप चला ही नहीं. एंड दैट इज व्हाट ब्रेक स्टेटमेंट्स डू. व्हाट दे डू इज कि जैसे ही कोई पर्टिकुलर क्राइटेरिया मीट होता है, आप ब्रेक कर देते हो, एज एन आप लूप से बाहर आ जाते हो. और ये सिर्फ लूप स्पेसिफिक नहीं होता, ये और भी जगह पे यूज होता है. हमने स्विच में भी देखा था ये, तो ब्रेक इसी काम आता है, ठीक है. अब आप क्वेश्चन कर सकते हो कि ब्रेक प्रोग्रामिंग में इन जनरल कहाँ पे यूज हो सकता है व्हेन यू आर यूजिंग लूप्स. सो वन गुड एग्जांपल इज लीनियर सर्च. आप अपने फ्रेंड को फेसबुक पे सर्च कर रहे हो, फेसबुक के डेटाबेस में करोड़ों यूजर्स हैं और आपका फ्रेंड लेट्स से 100 नंबर पे, तो फेसबुक का एल्गोरिथम फर्स्ट से स्टार्ट किया सर्च करना, 100 पे आया, आपका फ्रेंड मिल गया, तो करोड़ों तक जाके सर्च करने का कोई पॉइंट नहीं है, तो यू विल ब्रेक इट, राइट. सो दैट इज व्हाट द ब्रेक स्टेटमेंट विल डू. ओके, नाउ आई विल गिव यू वन मोर सिनेरियो एंड दैट सिनेरियो इज कि आई यूज द कंटिन्यू स्टेटमेंट. ओके, एंड यू विल सी क्या डिफरेंस आता है. मैंने क्या किया, अगर आई का वैल्यू 5 है देन कंटिन्यू. ओके, एंड नाउ इफ आई रन दिस कोड, यू कैन सी सब कुछ प्रिंट हो रहा है एक्सेप्ट 5, राइट. सो कंटिन्यू ने क्या किया, उसने वो पर्टिकुलर आइटरेशन में जो कोड था उसको स्किप करवा दिया. मतलब जब वो पर्टिकुलर आइटरेशन हो रहा था 5वें नंबर वाला, तो उसका जो कोड था आप स्किप मार के आगे चले गए, ठीक है. सो आई गेस आपको समझ में आ रहा है कि आपको कब कंटिन्यू यूज करना है. वन गुड एग्जांपल कुड बी कि लेट्स से आपको क्या करना है, आपको डेटाबेस से प्रोडक्ट्स निकाल के दिखाना है, ठीक है. और लेट्स से कुछ प्रोडक्ट्स आउट ऑफ स्टॉक हैं, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे चेक लगा दोगे कि इफ प्रोडक्ट इक्वल टू आउट ऑफ स्टॉक देन कंटिन्यू, तो प्रोडक्ट स्किप हो जाएगा और वो डिस्प्ले नहीं होगा, ठीक है. तो इस तरह के सिनेरियोज में आप कंटिन्यू यूज करते हो. एक कॉमन क्वेश्चन ये हो सकता है कि आप फॉर लूप कब यूज करोगे, आप वाइल और डू वाइल लूप कब यूज करोगे. सो एक जनरल सेंसस है, एक जनरल ओपिनियन है कि इफ़ यू नो कि मुझे कितनी बार लूप चलाना है पहले से, देन यू शुड यूज फॉर. इफ यू डोंट हैव दिस आइडिया, यू हैव दिस एब्स्ट्रैक्ट आइडिया कि ये करने पे लूप खत्म होना चाहिए, राइट. यू डोंट हैव अ नंबर इन योर माइंड, यू हैव दिस एब्स्ट्रैक्ट आइडिया कि जैसे ये हो जाएगा तो खत्म कर देंगे, देन यू शुड यूज वाइल और डू वाइल, ठीक है. सो आई गेस आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो गया लूप्स. Now in the next video we will do some special loops that are available in JavaScript. Okay, so that's it for the video guys. Thanks for watching.